हमारी प्राथमिकता है दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को उसकी हर आकांक्षा की पूर्ति और वो हम करके देंगे। स्वाति मालीवाल को पीटने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की माताएं बहनें लोग राजनीति में शून्य कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साथ बातचीत दिल्ली मनोज तिवारी, सर क्या कहेंगे, कल मतदान है उसको लेकर कितने जीत को लेकर आश्वस्त हैं? हम बहुत आश्वस्त हैं। हमें जो दिल्ली के लोगों का भाव है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे सामने जो कैंडिडेट है, ये दिल्ली भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन नहीं कर सकती, ये दिल्ली हर घर से अफजल निकलेगा का समर्थन नहीं कर सकती, ये दिल्ली भारतीय सेना को गाली देने का समर्थन नहीं कर सकती, ये दिल्ली अर्धसैनिक बलों को मारने वाले नक्सलियों का समर्थन करने वाले का समर्थन नहीं कर सकती। कन्हैया कुमार ने ओपन डिबेट का चैलेंज दिया था एन चुनाव से वक्त, अब बताओ चाह रहे कि मैं प्रचार ही ना कर सकूं? अरे भैया तुम हार गए हो, बैठ जाओ, मुझे तो अपना जीत का अंतर और बढ़ाना है, इसलिए हर झुग्गी झुग्गी गली गली जाना। उनको जो थप्पड़ कांड हुआ था उसको लेकर कहा कि बीजेपी का हाथ है और वो बीजेपी कोई नहीं, हम बीजेपी कभी भी थप्पड़ में विश्वास नहीं करती, ये अरविंद केजरीवाल का काम है, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जिसने थप्पड़ चलाया सर किसका फटा? सर तो उसका फटा है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने थप्पड़ चलाया। तो ये गुंडा लोग अगर किसी ने गलत है लेकिन प्रोटेस्ट अगर किया, हाथ चलाया, उसको पकड़ के पुलिस में दो, मार मार के उसको अधमरा मत करो। आप इकलौते सांसद हैं जो तीसरी बार टिकट पाने में कामयाब हैं, क्या प्रमुख मुद्दे जो पहले रहेंगे आप? प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता है दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को उसकी हर आकांक्षा की पूर्ति और वो हम करके देंगे। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर सर क्या कहेंगे जिस तरीके? स्वाति मालीवाल को पीटने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की माताएं बहनें लोग राजनीति में शून्य कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली से निखिल कुमार, आधान हिंदी के लिए।